मेरठ के थाना रेलवे रोड चौराहे पर एक व्यापारी नेता और ट्रैफिक सिपाही में नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे से कहा सुनी के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय गुप्ता का आवास रेलवे रोड के आनंदपुरी कॉलोनी में है। बताया जा रहा है कि वो अपने साथी के साथ स्कूटी पर जा रहे थे। इसी बीच रेलवे रोड चौराहे पर लाल बत्ती होने की वजह से वो रुक गए और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बात कर रहे थे। तभी दूसरा ट्रैफिक सिपाही पंकज मौके पर आए और उनका चालान करने लगे, जबकि उन्होंने यातायात के सभी नियमों का पालन करने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहा सुनी शुरू हो गई और इनकी कहा सुनी को पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नेताजी और सिपाही जी के बीच कहा सुनी हो रही है और नेताजी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आबिद रहमान की रिपोर्ट।